अभी बोलता हूँ कि आप लोग कॉल से ज़्यादा विजिट पे ज़्यादा भरोसा करना, क्योंकि नंबर से कॉल करोगे तो आप भी समझ सकते हो, आपको भी अगर एक से ज़्यादा कॉल आएगा तो आप भी इरिटेट हो जाओगे। जय जगन्नाथ। एंड आज आप लोग के लिए बहुत सारा जॉब का वैकेंसी है, थोड़ा सा वॉइस को मैनेज करना क्योंकि घर के अंदर पे बना रहा हूँ, ठीक है। और ये कंपनी कौन सा है, रोहतक अंदर पे काम है। आप 10th क्लास से लेकर ग्रेजुएट लेवल तक अगर पढ़ाई किए हो तो आपका जॉब पक्का हो जाएगा। और एक बात, आज मेरे को गाली सुनना पड़ा एक जगह से, क्योंकि एक इंसान को अगर 100-150 तो कॉल अगर आता है तो वो इरिटेट हो जाएगा, तो वही चीज़ उसके साथ हुआ। उसने बोला कि वीडियो डिलीट कर, तो मैंने बोला क्या चीज़ हुआ, बोला कि इतना कॉल आ रहा है। हम बोले जॉब का अगर आप खुद पब्लिक पे अगर चीज़ पोस्ट करोगे तो जाहिर सी बात है कॉल तो आएगा, अगर आपको कॉल झेलना नहीं है तो नंबर काहे देते हो, नहीं देना चाहिए ना आपको। तो चलो छोड़ो, वो बात अलग है। तो अभी हम लोग बात करते हैं काम का। तो ये कौन सा कंपनी है बता रहा हूँ, A1 इलेक्ट्रॉनिक ऑथोराइज सैमसंग सर्विस सेंटर। ये सर सैमसंग सर्विस सेंटर है, तो कहा जाएगा तो सैमसंग केयर, ठीक है। तो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों का कीपैड मोबाइल है, जो लोग शायद ये सब चीज़ किसी किसी को नहीं आ पाता है, भाई लोग का कुछ कुछ चीज़ स्क्रीन पर भी दिखेगा, कंपनी का नाम एड्रेस वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा, और कुछ कुछ चीज़ टेलीग्राम पे जुड़ लेना मेरे साथ, ताकि ये सब चीज़ का प्रॉपर आपको फोटो भेज दूंगा, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं अकाउंटेंट। तो जो लोग अकाउंटेंट किए हैं, इसमें 3 तो वैकेंसी है, तो 3 तो पोस्ट अवेलेबल है इसमें। तो स्किल क्या होना चाहिए समझना है आपको। पहला आपका गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, ठीक है। गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, अगर MS ऑफिस का अगर आपका नॉलेज अच्छा है, कम से कम इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना, ठीक है। सेकंड हम लोग बात करते हैं रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। इसमें 4 लोगों का मेल फीमेल शायद दोनों के लिए है, मेंशन नहीं किया हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें स्किल क्या होना चाहिए ताकि आप लोग समझ जाओ, ठीक है। इसमें लिखा है कि गुड कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए, शुड बी गुड लुकिंग। मेरा जैसे मेरे से तो अच्छे दिखते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है, और शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, यानी मेरे तरह बातचीत स्किल अच्छा होना चाहिए। और इसके बाद आप लोग बात करते हैं, वो है सर्विस इंजीनियर। इसमें 10 पोस्ट खाली है, और इसमें क्वालिफिकेशन है 10th और ITI। और इसके अलावा क्या होना चाहिए समझो, इसके अलावा है आपका, इसमें आपके पास होना चाहिए बाइक और DL होना चाहिए कंपलसरी, ठीक है। अगर आप 3rd नंबर पर अप्लाई करते हो सर्विस इंजीनियर के लिए, तो उसमें आपका 10th या ITI, उसके बाद आपका बाइक या DL होना चाहिए। तीनों चीज़ तो मैं आपको समझा दिया हूँ, अब टोटल इसका एड्रेस क्या है और कैसे आप लोग को इसको कांटेक्ट करना सब बताऊँगा टेलीग्राम का। अगर जब तक जो जुड़े नहीं हो, टेलीग्राम में मेरा नाम दिख रहा है, इसमें सारा फोटो वगैरह सब डालता हूँ, या तो आप ये नाम सर्च कर सकते हो, आ जाएगा। तो यह है सैमसंग केयर, समझना है कहाँ पर है सैमसंग केयर, ठीक है। लोकेशन हम लोग बात करते हैं, लोकेशन है आपका बैक साइड कोसला होंडा 2-व्हीलर शोरूम STI पानपोस, बैक साइड कोसला होंडा 2-व्हीलर शोरूम का बैक साइड, ठीक है। STI पानपोस मेन रोड सिविल टाउनशिप, ठीक है। और इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, इसमें आप लोग को लिखा हुआ है, देखो भाई अभी बोलता हूँ कि आप लोग कॉल से ज़्यादा विजिट पे ज़्यादा भरोसा करना, क्योंकि नंबर से कॉल करोगे तो आप भी समझ सकते हो, आपको भी अगर एक से ज़्यादा कॉल आएगा तो आप भी इरिटेट हो जाओगे। तो बेटर होगा कि आप लोग नेट विजिट करो, या तो रिज्यूम देने के बाद में रिप्लाई का वेट करना, ठीक है। तो इसमें 2 तरीका है, लिखा हुआ है कि आप या तो रिज्यूम व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो, या तो आप डायरेक्ट ऑफिस पर विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो रिज्यूम अगर भेजना है तो यहाँ पर नंबर दिख रहा है, तो इस नंबर पर आप लोग रिज्यूम वगैरह भेज सकते हो, और व्हाट्सअप नंबर भी जो दिख रहा है इस पर आप लोग व्हाट्सअप पर अपना रिज्यूम भेज देना, या तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट है कि ऑफिस डायरेक्ट विजिट कर लेना, ठीक है। और नहीं तो टेलीग्राम पर जुड़ लेना मेरे साथ, फोटो आपको भेज दूँगा, आपको डिटेल सारा क्लियर हो जाएगा। तो सारा कुछ मैं आपको कवर कर दिया, कौन सा कंपनी है, कहाँ पर है, और सैलरी मेंशन नहीं किया हुआ, शायद वो आपका अच्छा खासा ही होगा, कंपनमेंट का तो नहीं होगा। तो आप लोग ट्राई करना, और इंस्टाग्राम सॉरी टेलीग्राम में जुड़ के रहना, ठीक है। ये अपडेट आप लोग के लिए, क्योंकि संग संग आया, मैं नहीं चाहता हूँ कि इससे पहले कोई जुड़ जाए। आप लोग पहले काम करना, जॉब पाना, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।